राहुल सर, कुश सर, मनोज सर, संदीप सर ने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज उन लोगों के लिए एक बार और जिनकी बदौलत हम सब यहाँ खड़े हैं, नरेंद्र भूषण पटियाल जी प्लीज। थैंक यू सो मच। इन सब के अलावा भी हमारी हमारी टीम में आते हैं नरेश जी, जिन्होंने बहुत सारी चीजों का अरेंजमेंट किया। फिर आते संदीप जी, प्रशांत जी, सलीना मैम। लेके चले जाते थे ताकि हम रिहर्सल्स कर पाए। संदीप जी हमें पानी पिलाते थे, चाय बनाते थे, तो थैंक यू सो मच संदीप जी। प्रशांत जी हमारे कैमरामैन, आप लोगों के लिए हम सभी लोगों की तरफ से जोरदार तालियां। कोई कुछ कहना चाहेगा? सॉरी, अब मैं इंट्रोडक्शन करा था हमारे एक्टर्स का, तो मैं भूल गया, सॉरी सर। हीरर एज गांधारी एंड अ गर्लफ्रेंड, जय एज अ बॉयफ्रेंड, पूजा एज माँ, स्वप्ननील एज अश्वत्थामा एंड बेटा, अदिति सोलो एक्ट, हमारा कैदी अजहर पुलिस ऑफिसर, सागर जी एज अ यंग ब्रदर, आशीष जी एज अ एल्डर ब्रदर, और ये बिचारी लक्ष्मी बहुत मांगी। और भी शख्सियत है, मैं चाहूँगा कि सब अपना एक बार फीडबैक दें सभी के एक्ट के बारे में। और सभी का एक्ट बहुत अच्छा था, और माँ का भी, माँ का मुझे पर्सनली थोड़ा ज़्यादा साइड पर जुड़ एक सही थोड़ा भी सिरा हो गया सबसे पहले अपना परिचय दीजिए, बताइए डे आपने एक्ट करवाया, कितना बड़ा चैलेंज है इसको करवाना और अपने जितने एक्टर बच्चे, तो मतलब बहुत मेहनत किया उन्होंने, लेकिन चैलेंज तो रहा, क्योंकि ये ऐसे एक्ट हैं जो वाकई में बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे, बहुत ही हाई लेवल का ये ड्रामा था, बहुत हाई लेवल का स्क्रिप्ट थी, और जिसको इन बच्चों ने किया, और नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा अपने अपने लेवल से उठ के उन्होंने बहुत मतलब अच्छा किया। और FCAI ये इंस्टीट्यूट उनको ये 3 महीने में मुझे लगता है जो उनको दिया है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं बॉम्बे में या और इंडिया में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन इतना मुझे नहीं लगता कि जो फैमिली बॉन्डिंग होती है एक इंस्टीट्यूट में वो यहाँ देखने को मिलता है। ये सारे बच्चे मतलब कहीं से ये फील नहीं करते कि नहीं मुझे, मैं सिर्फ यहाँ पर क्लास करके जाना है, नहीं, यहाँ पे इवन सारी फैकल्टी जितनी हैं और भूषण सर हैं, सब उनको एक स्टूडेंट के अलावा उनको एक फैमिली जैसा मानते हैं, और नो डाउट जैसे सर का ये है कि लाइफ टाइम जो उनका प्लान है एलुमनाई, उसका जो है कि आप पास आउट 3 महीने का कोर्स करने के बाद भी आप पर वीक वीकेंड में उनकी एक क्लास होती है, जो आप मतलब सारे जो आप पास आउट हुए हो भी गए तब भी आप करेंगे। और जैसा कि आज भी सर ने बताया कि लाइफ मतलब लाइफ में अगर आप थोड़ा सा परेशान हो गए, ऑडिशन से परेशान हो गए, काम नहीं मिल रहा है जब, तो आप यहाँ पे एटलीस्ट अपनी आके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। और प्लेसमेंट की बात है तो बॉम्बे मतलब नो डाउट इन बच्चों ने में कैपेसिटी है, और ये अच्छा ही करेंगे, सक्सेस पाएंगे, मेरी यही शुभकामना। आप परिचय दीजिए, बताइए कि कैसे जुड़े। मेरा नाम समीर बैनर्जी है, बेसिकली मैं कास्टिंग और कोऑर्डिनेशन दोनों करता हूँ। मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पे कास्टिंग और कोऑर्डिनेशन में 17-18 इयर्स हो गए। जब मैंने पहले शुरुआत की थी तभी हमारे यहाँ पे इतना कास्टिंग डायरेक्टर थे नहीं, जब हमने शुरू की थी दैट वॉज इन 99 समथिंग 2000 में,
तो हम लोग जैसे मेरी करण जौहर की फिल्म थी कभी खुशी कभी गम 2001 में, तभी हम लोग क्या करते थे असिस्टेंट लोगों के साथ बैठ के, जैसे थर्ड फोर्थ जो फिफ्थ असिस्टेंट होता था वो हम कोऑर्डिनेटर को बुलाते थे और कहते थे कि भाई फलाना फलाना तो सुपरस्टार जो हीरो हीरोइन है हमें सपोर्टिंग के लिए हेल्प कीजिए, जैसे ब्रदर है, फ्रेंड है, भाई है, तो हम लोग मिल के लाइक एन असिस्टेंट डायरेक्टर के साथ बैठ के काम करते थे। उस टाइम हमारा शायद हम उस टाइम नाम था एज ए कोऑर्डिनेटर, बट लेटर ऑन आई थिंक अभी ये जैसे अभी आप देखें कुछ सालों से कास्टिंग डायरेक्टर इज़ बिकम वेरी बिग इन इंडिया एंड इट्स गुड, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पोजिशन भी थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी वी हैव स्टार्टेड बिकमिंग कास्टिंग डायरेक्टर बिकॉज अब काम बहुत हो गया है, पहले थोड़ा कम था बिकॉज ऑफ टेलीविजन सीरियल्स इतने आ गए हैं, मूवीज़ आ गए हैं, तो पीपल ने कहा कि वो कुछ लोगों तो इन हाउस उन्होंने कास्टिंग डायरेक्टर अपॉइंट करना शुरू कर दिया क्योंकि भाई आप ही सिलेक्ट कीजिए जिससे वो असिस्टेंट डायरेक्टर कुछ फ्री हो जाए और अपना कुछ और काम करें। सो बेसिकली माय वर्क राइट नाउ इज़ आई एम डूइंग बोथ कास्टिंग एंड कोऑर्डिनेशन, और मैं लोगों को प्रमोट भी करता हूँ। इनिशियली स्टार्टिंग में जब 2008 की बात है तब आई वॉज प्रमोटिंग कंगना, जब कंगना सबसे पहले मेरे पास आई थी आई वॉज मैनेजिंग हर वर्क, मैं उन्हें ले जाता था एंड यू विल बी सरप्राइज, खाली सबसे अच्छी चीज़ थी उनका कि शी ऑलवेज यूज टू टेल मी कि समीर मैं को कम मीटिंग कराना लेकिन अच्छी मीटिंग कराना। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि अगर इंसान अपने आप में सोचता है कि मुझे कुछ करना है और उसके ऊपर लग जाता है ना तो उसको कभी ना कभी कामयाबी ज़रूर मिलती है, एंड विच यू कैन सी द रिजल्ट कि कंगना इज़ आज सुपर स्टार है। तो मैं जब उनको लेके भी जाता था प्रोडक्शन में तभी हम कोऑर्डिनेटर मिलाते थे प्रोडक्शन से कि भाई ये हीरोइन है ये कैरेक्टर में सूट करती है या नहीं, तो बहुत बार ऐसा होता था कि इवन आई वॉज थिंकिंग कंगना एंड इनिशियली आपको सरप्राइज होगा कि वो भी रिजेक्ट होती थी, ऐसा नहीं है कि वो एकदम है, लेकिन आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि पता नहीं क्या होगा एंड सी टूडे। सो एवरी रिजेक्शन में अगर आप सीखना चाहें ना तो बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर आप रिजेक्शन में हार गए टूट गए और फिर वही ब्लेम करने लगे या तकदीर ने साथ नहीं दी या मेरे पिताजी के पास उतना पैसा नहीं है जो दूसरों के पास है, ये तो वही है जो अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। मेरे अनुसार ऐसा है कि अगर आप कोई भी फील्ड में पूरी तरह से लग जाए और उस पर मेहनत करें तो उसकी कामयाबी ज़रूर मिलती है, एंड विच आई हैव सीन। और मैं अभी कास्टिंग भी करता हूँ, मेरी अभी विक्रम भट्ट की दो वेब सीरीज़ भी ऑन एयर थी ट्विस्टेड एंड स्पॉटलाइट, और मैं काफ़ी जगह फ्रीलांस करता हूँ जहाँ पे इन हाउस होते हैं उनको मैं हेल्प करता हूँ टू गेट द परफेक्ट एंड राइट कास्टिंग। और सबसे अच्छा लगता है जब एक्टर अच्छा होता है और डायरेक्टर हमें कहता है यार किसने दिया, और हमें लगता है कि हमने दिया और उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो हमें बहुत खुशी मिलती है। सो आई एम बेसिकली इन टू दैट, बेसिकली कास्टिंग डायरेक्टर हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 10 से 12 साल से जुड़ा हूँ। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हेड्स ऑफ टू पटियाल जी और FCAI कि उनका मेहनत ये हमें आज बच्चों के परफॉर्मेंस से हमें देखने को मिली। मेरे ख्याल से मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मुंबई की ये वन ऑफ द बेस्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट है बच्चों के लिए, क्योंकि 3 महीने में ये परफॉर्मेंस जो बच्चों ने आज हमें दिखाया है वो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई और इंस्टीट्यूट बच्चों को इतना ज़्यादा इतना मैच्योरनेस इन बच्चों में जो आज देखने को मिली, और बच्चों के लिए भी हद से बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे FCAI जो पटियाल जी की जो अपनी इंस्टीट्यूट है उसमें जो बच्चे पास आउट होते हैं उनको जो लाइफ टाइम आप यहाँ पे आके क्लास कर सकते हैं, और मैं बीच बीच में मैं इंस्टीट्यूट में आता हूँ बच्चों को थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ, तो मुझे बच्चों में जो एक ऑब्स्टियर जो बच्चे जो तरक्की कर रहे हैं वो मुझे दिख रहा है। और मैं यही बोलना चाहूँगा कि पटियाल जी से और कि पटियाल जी ने जो इस इंडस्ट्री की जो क्रीम फैकल्टी उन्होंने रखी है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो आज हमें सब कुछ दिख गया सामने ही दिखा है। एंड मैं अगेन पटियाल जी को और FCAI को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम आलोक वर्मा है, मैं एक्टर हूँ। मुझे आज FCAI में बुलाया गया, मुझे बोला कि 3 महीने के बच्चों का मतलब 3 महीने हुए हैं उन बच्चों का आज वो करना है सर्टिफिकेशन और सेरेमनी। तो हमने कहा ठीक है, मुझे लगा कि ऐम ही होगा
यार 3 महीना सीखे हुए बच्चे कितना जानते होंगे, एक एक कोर्स हुआ उसका सर्टिफिकेट दे देंगे बस बात ख़त्म। मैं इस थॉट के साथ यहाँ पे आया था, लेकिन जब मैंने बच्चों की परफॉर्मेंस देखी, बच्चे क्या बोले हैं दोस्तों की, इतना कमाल का किया उन्होंने, माइंड ब्लोइंग। मैं तो कई चीज़ें तो मैंने खुद सीखी, मुझे लगा अरे ये तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ यार, बहुत ही अच्छा सिखाया गया इनको और बच्चों ने भी बहुत अच्छा सीखा है, बहुत अच्छा, बधाई हो, कॉन्ग्रेट्स। हाय, माय नेम इज़ राहुल कोहली, आई एम एन एक्टर और मैं यहाँ पे एक फैकल्टी भी हूँ। बेसिकली FCI अभी इट्स अ न्यू स्कूल और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। नया होने का मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल हमें कुछ आता नहीं है, बट व्हाट वी डू, वी आर न्यू विद अ विजन। मैंने बहुत पहले अपना एक्टिंग कोर्स किया था बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से 15 साल पहले, और एक्टिंग मैंने सीखी वहाँ पर, बट मैंने ये रियलाइज़ किया कि देर समथिंग कॉल्ड इंडस्ट्री कल्चर, और इंडस्ट्री कल्चर ये होता है कि आप किस तरीके से लोगों से बात करते हो, कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हो, कैसे आप कोई चीज़ को मना करना है तो वो कैसे करना है, किसी को हाँ बोलना है तो उसमें बजट कैसे मांगना है, इसका सब तौर तरीके होते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो एक्टिंग करने का टाइम तो आपको बहुत लेटर मिलता है, बहुत कम मिलता है अगर आपकी डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा हो, और ये सब चीज़ों में भी आपको मास्टरी होनी चाहिए। तो नए जब हम कोर्स डिवाइस कर रहे थे भूषण जी से, हमने काफ़ी डिस्कशंस की और वो हमेशा कीन रहते हैं कि एकदम अप टू डेट रहे, तो हम अपने कोर्स में ना केवल एक्टिंग में पूरा ध्यान देते हैं बल्कि हम इंडस्ट्री कल्चर भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहुत बारी ऐसा होता है कि किसी नए बच्चे को काम मिलना शुरू हो जाता है तो उन्हें लगता है नहीं अब तो मुझे लीड ही करना है या पैरेलल लीड ही करना है, ऐसे बहुत बारी होता है, तो हम उसका भी ध्यान देते हैं, बार बार उनको समझाते हैं कि इट्स लाइक अ पेंडुलम, आप ऊपर भी जाते हो इस लाइन में नीचे भी आते हो, सो यू हैव टू मेंटेन रिजेक्शंस, कैसे हैंडल करना है, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हो जाती हैं कई बारी, वेदर वी लाइक इट और नॉट लाइक इट, इट्स अ ग्लैमर इंडस्ट्री, जो कास्टिंग काउच की सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं, वहाँ से कैसे निकलना है विदाउट अफेंडिंग समवन, वहाँ से अपने आप को सेफ कैसे करना है, सो वी कवर ऑल दैट एंड आई एम हैप्पी कि हमारे स्टूडेंट्स की जो हिट रेशियो इन द सेंस कि जितने स्टूडेंट पास आउट हुए हैं वी आर वेरी न्यू, उसमें से काफ़ी ऑलमोस्ट आई थिंक 15-20% को काम मिल रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ दे ऑल स्टार्टेड, सो इट्स वर्किंग फॉर अस एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट। अगर आप एक्टिंग लाइन से जुड़ना चाहते हो, मीडिया से जुड़ना चाहते हो, तो आई वुड रेकमेंड आप FCA आए और गिव अस अ चांस एंड वी विल नॉट डिसअपॉइंट यू एट ऑल। नमस्कार, मैं मनुज हूँ, मनुज वालिया। मैं काफ़ी महीनों से FCA के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब भूषण जी ने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे मुझे यहाँ पर सिखाने के लिए आना है, सो मेरे मन में ख्याल आया कि अभी तो मैं खुद सीख रहा हूँ, मैं क्या सिखाऊँगा। तो इन्होंने कहा कि आपको वही बताना है जो आप जानना चाहते थे जब मैं नया था। सो ये पॉइंट क्लिक किया मुझे, क्योंकि जब मैं नया आया था तो मैं काफ़ी चीज़ें जानना चाहता था जो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, लेकिन अब ये बच्चे जो हैं इन्हें वो सारी चीज़ें बता सकते हैं जो हमने फेस किए। सो इनके साथ हम एक यही सेशन चलते हैं हमारे कि मार्केट में क्या चल रहा है प्रेजेंटली, हम जितने भी फैकल्टी मेम्बर्स हैं हम सब इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, सो हम इन्हें वही बता रहे हैं कि जो चाहिए, इसलिए चीज़ें आसान हो रही हैं और बच्चों को ये चीज़ें ग्रैब करना बहुत ईजी हो रहा है। और ये 3 महीने में जो बच्चों की आज भी परफॉर्मेंस देखिए, शायद आप भी ग्लिम्स उसके देख पाएंगे, आउटस्टैंडिंग। मुझे खुद बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे जो विनय सर हैं इन्होंने इतनी मेहनत करके मतलब 15 दिनों में ये प्ले तैयार करवाया और क्या बखूबी बच्चों ने निभाया है, बहुत खुशी हो रही है मुझे भी। और बधाई दूंगा पटियाल साहब को कि भूषण जी आपका एक जो एक विजन था वो कामयाब हो रहा है, बच्चे उस तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा आप सिखाना चाहते थे वैसा बच्चे सीख पा रहे हैं। थैंक यू सो मच आपका हमें भी मौका देने के लिए आपके साथ जुड़ने का, शुक्रिया। आपका विजन के बारे में बताइए। देखिए FCI हमने इसलिए शुरू किया कि एक्चुअल में जैसे क्लासेस स्टूडेंट्स को मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद थिएटर से जुड़ा हूँ 2006 से, तो मैं खुद के लिए जैसी क्लासेस सोचता था हमने वैसी क्लासेस डिज़ाइन किए, स्मार्ट क्लासेस जिसको कहते हैं, और कुछ ऐसी सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं जैसे कि एलुमनाई सर्विस, लाइफ टाइम फ्री वीकेंड क्लासेस हम लोग बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस इसके अलावा कुछ प्लेसमेंट क्राइटेरिया और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अदर इंस्टीट्यूशन शायद कहीं ना कहीं मिस कर जाता है। दैट्स वाई कि हमने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए
कुछ चीज़ें सिलेबस में डाली, कुछ चीज़ें एलमुनाई सर्विस में प्रोवाइड की, कुछ चीज़ें प्लेसमेंट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये एक कंप्लीट कोर्स है जहाँ से एक्टिंग ही नहीं आदमी ज़िंदगी सीखता है। तो मेरा ये वादा है उन हर एक स्टूडेंट से जो यहाँ से पास आउट हो रहे हैं या फिर यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं कि उन्हें वो हर एक चीज़ मिलेगी जो वो इस इंस्टीट्यूशन से चाहते हैं और जो हम उनको कमिटमेंट करते हैं। तो आज हमारा 6th बैच पास आउट हो रहा है और 8 बच्चे हैं हमारे इस बैच में और वो अपनी सर्टिफिकेशन ले रहे हैं। तो सर्टिफिकेशन के लिए कुछ हस्तियां हैं हमारे बीच जिनको आप पहले ही इंट्रोड्यूस करवा चुके हैं। कास्टिंग डायरेक्टर जिनका 18 साल का तजुर्बा है। एक्चुअली कास्टिंग डायरेक्टर इज़ द गेटवे ऑफ द बॉलीवुड। हम लोग कहते हैं FCI इज़ द गेटवे ऑफ द बॉलीवुड, कास्टिंग डायरेक्टर इज़ ऑल्सो द गेटवे ऑफ द बॉलीवुड। बिना कास्टिंग डायरेक्टर से मिले आप वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते। और एक हमारे बीच जो सर्टिफिकेशन के लिए आए हैं वो एक एक्टर हैं और काफ़ी संघर्ष उन्होंने किया है और उनका भी इंटरव्यू आप पहले ही ले चुके हैं। तो हम सर्टिफिकेशन सेरेमनी अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 बच्चे जो हमारे पास आउट होंगे मैं चाहता हूँ आप उनसे भी पूछें कि उन्हें क्या सीखने को मिला और क्या यहाँ से वो लेके जा रहे हैं और हम उन्हें कैसे सपोर्ट करते हैं, क्या हमारा गाइडलाइन रहती है, कैसे हम उनको एक्टिंग के साथ साथ पर्सनैलिटी में भी बदलाव लाने के लिए कोशिश करते हैं। टफ
चीज़ है बट बहुत ईजिली हमको कैसे करना है वो सिखा जाते हैं एंड रियली वेरी गुड गाइज ऑलवेज. हेलो, हम स्वप्निल भद्रा. मैं यहाँ से बहुत कुछ सीखा हूँ. पहले मैं सिर्फ डांसिंग एंड सिंगिंग करता था और यहाँ पे आके मैं एक्टिंग सीखा हूँ. मेरे विजन्स बहुत क्लियर हुए और माइंड भी बहुत खुले. यहाँ के टीचर्स बहुत मैं बहुत दिल से बहुत अच्छे, बहुत प्यार करते, बहुत मेहनत से सिखाते. थैंक यू. हाई, माई नेम इज़ मीनल शर्मा एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम अ बॉक्सर. सो ये रोल करना मेरे लिए यू नो बहुत टफ था. सो थैंक यू सो मच FCI फॉर बींग एन अमेजिंग फैमिली. थैंक यू ऑल द टीचर्स. ये लोग मतलब फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं एकदम एंड बहुत केयरिंग रहते हैं. सो थैंक यू सो मच. हाई, आई एम जयवेट से. मैं FCI का स्टूडेंट हूँ और बहुत अच्छी है FCI और जो भी आएगा कुछ ना कुछ तो पक्का सीख के ही जाएगा. मुझे भी कुछ पहले कुछ आता नहीं था, थोड़ा बहुत आता था पर अभी बहुत अच्छा करने लगा हूँ. फैकल्टी बहुत फ्रेंडली है, साथ में मस्ती करते हैं, खाना साथ में खाते और डांटते पर अच्छे के लिए डांटते. सो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी है. थैंक यू सो मच. हेलो गाइस, दिस इज़ प्रमोद भानुशाली. मैं भी FCI का स्टूडेंट हूँ एंड मुझे बहुत कुछ सीखने मिला है यहाँ से. मैं बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ, कुछ चीज़ें जो कमियाँ थी मेरे अंदर मैं यहाँ से पूरी करके जा रहा हूँ. सो मैं बड़ा थैंक यू कहना चाहूँगा भूषण जी से और हमारे सारे टीचर से जिन्होंने हम पे इतनी मेहनत की और एक अच्छा एक्टर हम लोग के अंदर से निकाला. थैंक यू सो मच. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. बैक कर रहा है, बैक बाहर अभी एक फिल्म